बुलेटिन में आज सबसे पहले उस वारदात की जिसने राजधानी जयपुर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की एक बार फिर पोल खोल दी। अपने घर से निकले एक बच्चे को पहले अगवा किया जाता है और फिर उससे की जाती है दुष्कर्म की कोशिश, लेकिन जब 10 साल का बच्चा इस घिनौनी हरकत से इनकार कर देता है तो फिर ले ली जाती है उसकी जान, मौत के घाट उतार दिया जाता है मासूम को। ये पूरी वारदात हुई राजधानी के ज्योति नगर इलाके में। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या रहा पूरा मामला। जयपुर की ज्योति नगर पुलिस की गिरफ्त में आया ये वो शख्स है जिसने एक मासूम बच्चे के साथ कोशिश की कुकर्म करने की, लेकिन बच्चा उसकी इस हरकत के लिए राजी नहीं हुआ। अब इस युवक को डर हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा ये बात लोगों और परिजनों को बता दे, और फिर इसी शातिर ने ले ली मासूम की जान। दस साल के एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल बच्चा मनीष सोमवार दोपहर किसी काम से अपने घर से निकला था, लेकिन फिर वह लौट कर नहीं आया। बच्चे की मां मजदूरी करती है। लोगों ने बच्चे की तलाश की, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार ज्योति नगर पुलिस में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया, लेकिन मंगलवार सुबह लापता बच्चे का शव बरामद किया गया। 22 गोदाम के पास बने रेलवे के एक खाली क्वार्टर में बच्चे का शव पुलिस ने बरामद किया। बच्चे को पत्थर मारकर मौत के घाट उतारा गया था। मुझे सूचना मिली थी कि एक 10 साल के बच्चे की डेड बॉडी इसके सहकार पुलिया के नीचे एक खंडर नुमा मकान में पड़ी है। वहां जाकर देखा तो एक बच्चे की लाश वहां पे पड़ी थी, उसके सिर पर 3-4 चोट थी। उन चोटों के कारण बच्चे की मृत्यु होना स्पष्ट था। इसी बच्चे के संबंध में ज्योति नगर थाने में कल एक गुमशुदगी और अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था। कुकर्म करने के घिनौने मकसद में जब ये शातिर कामयाब नहीं हो सका तो इसने बच्चे का कत्ल कर दिया। हालांकि वारदात के बाद खाकी आरोपी की खोज में जुटी थी, लेकिन करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद ही खाकी ने पूरा राजभाष कर दिया। पुलिस ने जब आरोपी पिंटू से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पूरी वारदात कबूल कर ली। उसने बदनामी से बचने के लिए मासूम को मौत के घाट उतारा। बच्चे की तलाश की जा रही थी, इसी दौरान पता लगा कि एक पिंटू दान का नाम का युवक इस बच्चे को कल लेकर के गया था अपने घर से। उसको बुला करके पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल किया। उसने इसकी हत्या इसलिए की कि वो इसके साथ में कुकर्म करना चाह रहा था। कुकर्म के लिए बच्चा सहमत नहीं हुआ, फिर इस डर के मारे कि वो सब जगह जाकर के इसके कुकर्म के प्रयासों की पोल खोल देगा, इसलिए उसने बच्चे के जान से मार दिया। वहशी दरिंदे की हरकत के चलते एक मासूम की जान चली गई, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन यहाँ पुलिस ने बिना समय गंवाए मामले से पर्दा उठा दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कल दोपहर बाद से बच्चे का शव यहाँ पड़ा था, लेकिन किसी को खबर नहीं हुई। पुलिस में प्रकरण दर्ज होने के बाद शाम या रात को भी किसी संदिग्ध से पूछताछ नहीं की गई, नहीं तो माना जा रहा है कि सोमवार को ही इससे पर्दा उठ जाता। बहरहाल अब पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से महेंद्र सैनी के साथ दिनेश डांगी की रिपोर्ट।